आज हमारे पड़ोस में महंत अंकल हैं, उनके यहाँ पे धाम है। धाम जैसे आप लगा लो लंगर, पर जो कांगड़ी धाम होती है बहुत पॉपुलर है। लोग ज़मीन पे बैठते हैं, हाथ से ही खाते हैं। अभी तो आप सबसे पूछना है कि कौन कौन जा रहा है, फिर जब हम धाम पे जाएंगे तब तुम चलोगे वेनू? यस। ठीक है, फिर हम शूट भी करेंगे, आपको प्रीव्यू दिखा सकते हैं। कल तुम एक रेस्क्यू पे गए थे, वो हुआ नहीं ना? थोड़ा सा ना एग्रेसिव है, काटता है लोगों को। वो इधर देखिए, देखिए डोर देखिए, ये जो इस साइड डोर है ना, हाँ उधर है। गैलरी के उस कोने पे खड़ी हो जाए, हम यहाँ से चलते हैं। तो दो जाले थे, जगह थोड़ी टाइट थी, उस तरीके से आ नहीं पा रही थी। तो ब्लॉग में बताया था निशा मैम, क्यूट बताया। हाँ मैंने भी पढ़ा। थोड़ा तो अच्छा लगा होगा। मुझे कोई क्यूट कहता मुझे तो अच्छा लगता है। He thinks compliments working to get me away from stuff. It's not working. मैं तो सिर्फ सच बता रहा हूँ। अरे हमारे दो रिलीज हुए ना, एक तो वो रिलीज हुई पॉम्पी, हमने उसके बारे में ब्लॉग में बातें नहीं करी। जो फ्रैक्चर था वो कम्प्लीटली हील नहीं हुआ था, स्टेबल कंडीशन में था, लेकिन उसे क्या है ना, क्योंकि वो बॉक्सी के साथ रहा था, उसे डायरिया लग रहा था। मैं उसे और यहाँ रख कर, क्योंकि क्लिनिक बहुत थोड़ा स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट हो जाता है, केयर टेकर्स अच्छे हैं, वो ध्यान रखने को रेडी थे, सप्लीमेंट्स देने को रेडी थे, तो हमने उसको वहाँ छोड़ा। और अपनी मनाली, मनाली अच्छे से हील हो गया। हाँ, हील हो गया। एम्पुटेशन साइट परफेक्टली हील्ड था। हे मनाली, हे व्हाट्स अप मनाली, चलो आपका सारा स्टाफ इधर है क्या अभी मोस्टली? एक सेकेंड इनको बात कर लें। वो धाम के लिए महंत अंकल ने बुलाया है ना, चलोगे आप? मैं तो है। इनवाइट आपको अलग से, अच्छा पीपल फार्म के इनवाइट से नहीं जा रही राधा? नहीं नहीं, तो डॉक्टर गुलशन आप राधा के इनवाइट से जा रहे हो, क्योंकि डॉक्टर गुलशन राधा कह रहे थे ना आप, या हमारे इनवाइट से जा रहे हो? हमारे को दो पत्थर मिले हैं। दो ले लेना, बोला था। गौरव उनको खाना था स्पॉट वगैरह को, सुबह बाउल के थे, खा लिए थे, खाली बर्तन ऊपर पड़े थे ना, मैं डर गया कि फिर कोई लेट आ रहा है। बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि आपको देखो गलती तो पॉइंट आउट करनी है, आप गलती पॉइंट आउट नहीं करोगे तो फिर मतलब ऑफ कोर्स सिस्टम फेलियर होगा, पर आप गलती पॉइंट आउट करोगे तो फिर लोगों को आपको सींग दिखते हैं सर पे। हाँ रॉबिन सिंह छोटे छोटे दिखते हैं। वेनू जब शुरू में ज्वाइन किया था मैंने इससे पूछा था कि तुम्हें अगर पीपल फार्म चलाना हो चला लोगे? इसने कहा हाँ यस। मैंने कहा कि बिना तुम्हें कोई इरिटेट नहीं होगा, गुस्सा नहीं चलेगा, तो आई डोंट थिंक सो। आपने दोबारा पूछा? नहीं। आज हमारी दो इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट्स हैं जो मैं आपको बताऊंगा, एक तो हमारे फैंस के लिए और एक उनके लिए है जो पूरे भारतवर्ष में एनिमल्स की हेल्प कर रहे हैं, उनके लिए हम उनकी हेल्प करने के लिए हमने कुछ शुरू किया है। Oh, I know what it is. ताकि जो फीडर्स हैं, रेस्क्यूअर्स हैं, उनको थोड़ी सपोर्ट मिल सके। आपको भी नहीं बताना अभी। तो आप मेरे साथ हैंग आउट नहीं करते, आपको कैसे पता होगा? मैं सोच रही हूँ इस चीज़ के बारे में। पहली अनाउंसमेंट तो ये है कि भाई हम इतने सारे वीडियोस बनाते हैं, आपसे इतनी सारी बातें करते हैं, लेकिन वो आप तक पहुंचती नहीं, क्योंकि सोशल मीडिया आपको हर बार ही नोटिफाई नहीं करता। टेलीग्राम पे हमने इसीलिए एक बड़ा सा ग्रुप बना रखा है, पर आप में से बड़े सारे लोग टेलीग्राम पे हैं ही नहीं, तो अब हमने व्हाट्सएप पे एक ब्रॉडकास्ट नेटवर्क बनाया है, जो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक के द्वारा आप ज्वाइन कर सकते हैं, और कोई भी वीडियो और अनाउंसमेंट फिर आप मिस नहीं करेंगे, क्योंकि भाई वीडियो आप तक पहुँचेगा तो ही तो आप उसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और हमारी बात आगे पहुँचाएँगे। जिनमेल मुझे बोल गई थी क्यों हम चेक करना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी टाइम से सर सिरप चल रहा है, उसके अलावा और कोई उसका चेकअप हुआ नहीं है। और जिलमिल की बात करें, अब जिलमिल को हम बाहर तो ला नहीं रहे, उसको उसके गांव रिलीज करें या बाहर ट्राई करें? आपने बोला था ना कि आपको टाइम मिलेगा आप उसको लेके जाओगे, लेकिन अभी कुछ दिनों से आपके पास तो टाइम था नहीं बिल्कुल। हाँ है ना, आप ट्राई कर लेते हैं, देख लेते हैं टाइम आपके पास। अच्छा तो जिलमिल को ले ही जाता हूँ ना अभी जाते हुए, देहरा से गौ सेवा दल ने जिनसे वो आज आ रहे हैं, मैंने उन्हें कहा, एक डॉग भी ला रहे थे वो झुंगे में, मैंने कहा था मैंने काफ के लिए कहा है जगह है, डॉग आप चेकअप के लिए ले आ रहे हो तो ले आओ, ये डॉग आप लेकर आए साथ में, और एक छोटी बच्ची। काम टूट गई। कौन सी वाली? पीछे वाली? पीछे वाली। ओपन फ्रैक्चर है, कब से? काफी टाइम इसको हो गया, कम से कम 2 मंथ। एक्सरे हुआ है? इसका नहीं हुआ एक्सरे। तो आप लोग अभी तक मैनेज कैसे कर रहे थे? हमारी गौ सेवा टीम जो कर रहे थे, और बिल बैठने वाले लगे हुए थे। खड़ी हो रही है अभी? बिल्कुल भी खड़ी हो जाती है, चलती है वैसे, मतलब बोन के लिए लाया मैंने। ठीक है, इसको क्या हुआ? इसके फ्रैक्चर। हेलो।
ये पेटे किसी का? किसी ने छोड़ दिया वहाँ पे रोड पे, कच्चा प्लास्टर चला था क्योंकि नीचे हील नहीं हुआ जख्म है। नहीं जख्म है तब तो खराब हो जाएगा, ये कनाल टूटा हुआ था। तो बहुत बुरा फ्रैक्चर है, तो पूरा अलग हो गया। अभी सिर्फ काव लेके चलते हैं अंदर। मेरी तो इनसे वही बात हुई थी कि इसको एक्सीडेंट हुआ था, फिर कल इन्होंने मेरे पे वो बम गिरा कि जी हम कुत्ता भी साथ ला रहे हैं। मैंने कहा ना उसका वहाँ से करवा देना, यहाँ ठीक ना उसको करो, चेक हो जाएगा, जगह तो हमारे पास रखने की है नहीं, चेक करवा देना उसको, वो तो यही कराएंगे। मैं तो वो कर, ये कोई सरकारी महकमा थोड़ा कि आपको करवाना पड़ेगा, हम तो सेवा के लिए बैठे हैं, वो करेंगी। नहीं हम भी, ये टोटो है ना, इसको कहीं गिफ्ट रैप करके भेज रहे हैं हम, क्या भैया बड़े गऊ प्रेमी हैं, भैया लेके जाएंगे साथ में। एक इससे बड़ा था, मैं आपको बताता हूँ। पर आप करते क्या हो उनका, फिर रखे हुए नहीं? गौशाला का चल रहा है, प्रपोजल बनाई हुई है, देखते हैं वहाँ भिजवा देंगे। तब तक हम, मैं अभी 50 कनाल में सरकार से मंगवाई, अभी आ गई उसकी एनओसी सभी, फिर वहाँ शिफ्ट करा देंगे। वेट कर, अभी सरकार लगी हुई है। स्पीड दुलाते हैं सभी मार्केट में, इसकी आदत थी पाँव आगे रख के सोने की सड़क पे, फिर वो चढ़ा। वहाँ पर भी वो ट्रीटमेंट करा रहे हैं सर, तो देखो ना कि वो ओपन फ्रैक्चर है ना, वुंड है वहाँ, लेकिन पूरा कवर करके रखा, पूरी स्प्लिंट करके रखी उन्होंने, खराब हो जाएगा वुंड बहुत बुरे तरीके से। इसको अपन रख लेंगे कुछ करके, पर जैसे ही हो जाएगा तो ले आप ले जाना, इमीडिएटली इमीडिएट ले जाएंगे, कोई चक्कर नहीं। ये अमनदीप, जब मैंने कहा था अमर अमनदीप को बिल्ली ने, वो अमरप्रीत थी जो धाम के बहाने से आपको बाकी टीम से मिलवा देता हूँ। तो ये आप चलोगे शाम पे? ये हमारा वो है प्रोडक्शन रूम, यहाँ प्रोडक्शन रूम नहीं, सॉरी पैकेजिंग रूम। बहुत गुड मॉर्निंग, सबसे ज़्यादा क्रेजी। एक बजे धाम पे जाना है महंत अंकल के, आप लोगों ने अगर चलना है तो अगर आप जा रहे हो तो ममता दीदी को बता दो कि खाना जी। क्योंकि जो जो लोग गांव के ही हैं वो तो अपने अपने घर खाना खाते हैं, ये जो लोग भारतवर्ष से हमारे साथ आके जुड़े हुए हैं ये तो दिल्ली से बहुत दूर से नहीं है, तो वो लोग फार्म पे ही फिर खाना खाते हैं। तुम्हारे अभी सगे भाइयों से भी तो पूछना कि वो चलेंगे या नहीं, तुम लोग नहीं जा रहे, तुमने अगर चलना है सर में ममता जी को बता देना भाई हम खाना यहाँ नहीं खा रहे, तो झिलमिल को लाना तो भूल गए हम एक्साइटमेंट। ओह या हाँ, मेरे को उसका बस ये डर है ये लोगों ने खेत पूरा डिस्ट्रॉय कर देना है, ये दोनों वैसे ही थोड़े ये लोग तो ठीक है, जब स्पॉट आएगा ना शाम को और चंबी तब देखते हैं। स्पॉट द गैंगस्टर, इतना परेशान मत करो उसको, और देखिए वो खुद भी लड़ने को तैयार है, मेरे को पास ही रहना होगा कि ऐसा ना उसको पीट दें खेल खेल में ना, हंसी हंसी में फंसी हो जाती है भैया। चलो चलो उधर टेक इट देयर, चलो। अगर डॉग जैसे कर रहे तो इसका मतलब है कि वो एग्रेसिव हो रहे हैं या खेल रहे हो? खेल रहे हैं, बट वो थोड़ा, अब वो बड़े हैं वो छोटी है, थोड़ा रफ प्ले है उनका। विक्की छुट्टी भी है, मेरे मेरे को कहा है कि भाई जाओ वॉलंटियर से बात करो, डू व्हाट व्हाट वुड विक्की डू, आई कैन ओनली शूट, नहीं पड़ेगा मेरे से, मजाक कर रहा था, कम ऑन डू यू। आप लोग कहाँ से आए हो? चंडीगढ़। मैं गुजरात से। किस चीज़ में वॉलंटियरिंग करने आए हो आप? एनिमल एनरिचमेंट। मैं वेटनरी क्लिनिक में और फार्म में। मैं इंजीनियर हूँ, मैं वर्क करता हूँ गुड़गांव में, और मैं यहाँ पे कुछ भी करना है। रिकॉर्ड नहीं हो रहा था सारा, क्या यार नहीं हो रहा था ना, अच्छा हुआ। तो आप बता दो, तो आप कर रहे थे ये तो बता दो क्या। मैं इसको पूरा इसका जो हम सेमी क्रिटिकल जो भी चेकअप होता है डॉग्स का, डॉक्टर अनीशा को चेक करवा के ये देखना चाहती थी कि मैं बिल्कुल करेक्ट हूँ कि नहीं। थे आप करेक्ट 10 में से 10? सीखना है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ कि नहीं, तो कल को मैं गलत लिख दी, अब मुझे बाद में पिटेगी। और जब आपके बच्चे जैसे गलती करते हैं तो आप क्या करते हो? मैं प्यार से समझाती हूँ। आपका घर बाजू में, अभी हम जाएंगे उनसे पूछेंगे, मैं ये नहीं करूँगी, मैं वो, मैं भी जा रहा हूँ, आपके बच्चे कब आ रहे हैं स्कूल से, उनसे मैंने पूछना है कि क्या उनको पढ़ती है या क्या होता है उनके साथ। देख ले ये भैया आ गए हैं ना हमारे, वो करने की तू कहना सुनता नहीं है, बस ये भैया को भी देखना कि क्या ना मानता है कि नहीं मानता है। मैं ये देखना हूँ आपके बस का है या नहीं है। अच्छा मुन्नू वो, अच्छा वो देखो क्या बोल रहे हैं वो, कि तू कहना नहीं मानता है, नहीं कर रहा वो कुछ भी नहीं कर रहे मुन्नू, प्लीज थोड़ी सी बच्ची है। आप उसको थोड़ा धमकाओ ना जैसे बच्चों को धमकाते हो। ए, मैं शूट ना कर रहा था, देखो 2 थप्पड़ पड़ चुके थे, दवाई अंदर होती है ऑलरेडी इसके।
नहीं मैं मजाक कर रहा हूँ, राधा हमारी बेस्ट हैंडलर है। ये भी प्लेट लेके जा रहे क्या? स्वास्थ्य कंफ्यूज है कि मम्मी प्लेट क्यों लेके जा रहे हैं। कई बार क्या होता है पत्तल की जगह वो प्लास्टिक वाली डिस्पोजल प्लेट होती है ना, बड़े सारे लोग तो अपना चम्मच लेके आते हैं ना जो हाथ से नहीं खा पाते, हम अपनी प्लेट लेके जा रहे हैं। बाय द वे स्वास्थ्य वो है, स्वास्थ्य हमारी आईटी सिक्योरिटी भी मैनेज करता है, थोड़ी बहुत मेरी पर्सनल सिक्योरिटी भी। साइज देखो। तो अब हम बिल्कुल फार्म के साथ हैं, ये महान संकल का छोटा सा मंदिर है, पीछे एक घर है, वहीं पे धाम लगी है। हाँ पत्तल है, हमें और कोई प्लेट की जरूरत ही नहीं है। सही। और भाई कुणाल क्या हाल है? गलत बात। मीडिएटिंग को दो डूड्स। कुणाल जी हैं फ्यूचर आईएएस अफसर, लेकिन तब तक हमारे यहाँ ये एनिमल एनरिचमेंट के लिए वॉलेंटियर कर रहे हैं, वर्क एक्सचेंज पे जाएंगे फिर। और ये मेरे लिए बड़ी सारी किताबें लाए हैं और वो भी अच्छी अच्छी, इसको तो मैं प्रोनाउंस में सात्रे इनको लग रहा था मैंने पढ़ी होंगी, मैंने इतना नहीं पढ़ा मैंने, लिमिटेड। और एक इनके पास काफ़ी अच्छी फेमिनिज्म के बारे में बुक है, सिमोन डी बोवर द सेकंड सेक्स। तो आप मुझे जो बता रहे थे उतना तो बता दो कि किस बारे में। फेमिनिज्म के ना दो वो हुए ना मेजर रेवोल्यूशन, एक तो सफ्रागेट मूवमेंट थी, फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म, सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज्म जो 1960s में आई थी, उस वेव का फाउंडेशन ये बुक थी। तो फर्स्ट वेव में तो ये था ना कि भाई लड़कियों को वो राइट्स भी नहीं थे, वोटिंग राइट्स भी नहीं थे, प्रॉपर्टी राइट्स भी नहीं थे, शायद सिविल राइट्स भी नहीं, बेसिक वो राइट्स मिले। और ये अमेरिका की बात हो रही है भाई, जो सेकंड जो हुई मूवमेंट उसमें उनको क्या राइट्स, पर्सनल लिबर्टी कि भाई मतलब अगर लड़की के मल्टीपल रिलेशंस हैं तो वो भी एक्सेप्टेबल हो, जैसे लड़कों के लिए एक्सेप्टेबल है। हिप्पी कल्चर आया था इन द सेंस। अच्छा, तो ब्रा बर्निंग मूवमेंट रिवॉल्यूशन जो आया था 1960s में वेस्ट में, रिप्रोडक्टिव राइट्स जो आए थे, मतलब वेस्टर्न कंट्रीज में था कि अबॉर्शन ये सब बहुत नेगेटिव देखा जाता था, अपने बॉडी के ऊपर पूरा अधिकार है ये, वो बच्चा करना चाहती है या नहीं करना चाहती है ये औरत डिसाइड करेगी, फैमिली इंस्टीट्यूशन उसको ऑर्डर नहीं देगा, ना ही सोसाइटी उसको ऑर्डर देगा। अबॉर्शन भी अपनी इच्छा थी, अपनी इच्छा उस टाइम में रेज किया था टॉपिक, बट ये तो रिसेंटली हुआ था ना यूएस में, रिसेंटली तो पलटा है। हाँ, तब रेज हुआ टॉपिक, हमें टॉपिक रेज हुआ तब उन्हें ये राइट्स मिल गए। अब तो एक स्टेप पीछे ले गए ना, अभी पीछे। तो अब जैसे जैसे मुझे समय मिलेगा मैं किताबें पढ़ूंगा, कुछ इंटरेस्टिंग मिला तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। वैसे मैं आजकल वो पढ़ रहा हूँ, एक गेम सीख रहा हूँ गो, और डीप लर्निंग के बारे में पढ़ रहा हूँ। जैसे जैसे मैं बड़ा हो रहा हूँ ना, मुझे नई नई चीज़ें सीखता हूँ, दिमाग को वो रखना है ना। आप लोग कहीं कहोगे सनक गए। मुझे वहाँ जाके ना फिर कॉल कर देना ना, और वहाँ पे पूछ लेना कि डॉग वहीं की रहने वाली है तो हम रेगुलर ट्रीट ऑन स्ट्रीट कर सकते हैं। जगह है नहीं मेरे पास ना, वायर ट्रैप है, पूरी सिचुएशन मुझे नहीं पता ना, मुझे वीडियो आएगी ना मुझे फोटो आएगी। वही वाली है बच्चों की बात, पैर देता है पूरा कंसर्ट ये है। मारो 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 पर बच्चे की बात छोड़ दे, बात 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 हो गई बोल बोल क्या आप कर चलो कितना पैर पैर कर निकल चले, कोई पैर टूट गया ठीक है बात। ज्योति क्या बोलते हैं, ये तो पिग ट्रैप है और इसका पैर टूट गया है, मामूली सी बार वाली स्किन फंसी हुई है, बस लाने पड़ेगी ना। और ये बोन्स हैं? हाँ जी, एंड आई थिंक ये वो मदर ही है जो हमने चंबी से जो बच्चे, मोना ये उसी जगह पे थी जब हम वो मॉम और पपीज को लेके आए थे ना, पांच पॉपीज को सेम उसी जगह होती है अंदर। तुम्हारे को नहीं पता गांव में कौन लगाता है ये ट्रैप? ट्रैप गांव में नहीं लगाते, चंबी साइड लगाते हैं। तो अपने गांव के बंदे जाके लगाते होंगे ना, ये मिलता कहाँ पे है? ये इलीगल नहीं है ये? हाँ, मतलब ये ट्रैप बिकता है दुकान पे? खुद बनवाते हैं ना, खुद बनवाते हैं जैसे इसके नीचे सरिया लगवाया हुआ है। नहीं यार ये बने बनाए आते हैं हमें, पहले इतना स्प्रिंग रिंग वो बनाते हैं यहाँ पे। तेरा मूड ऑफ क्यों लग रहा है? रेस्क्यू भी तो गया था क्या अभी? बाप रे। बस है? बस मुझ नहीं।
खेलते खेलते लग गई सर कुछ. Oh my God, the drama. अच्छा अच्छा. Thanks. बस. Hey, जिल मिलू. थोड़ा swelling यहाँ. So something happened, possibly a sting. कौन बोला था जाने वाली? I know. क्या हुआ बाबू? बस हो गया. अभी क्या हो रहा है कि अब हम एक ट्रांजिशन में है ना. अब वहाँ पे अस्पताल जा रहा है और हम ग्रो कर रहे हैं तो बड़ी सारी मैनेजमेंट वाली चीज़ें करनी पड़ गई. मेरा सारा दिमाग वो मैनेजमेंट और एनालिटिकल साइड लगा है तो क्रिएटिव चीज़ें फिर मैं नहीं कर पा रहा. प्लस रात को देर तक मैं जग रहा हूँ तो वैसे भी मैं थोड़ा वो हूँ ऑन द एज. किसी बात ही नहीं. दिन रात यहाँ कुत्ते भौंक रहे हैं वैसे ही शोर इतना है. और जिस दिन शोर नहीं है उस दिन विक्की ने माइक नहीं लगाया था और हमारा सारा व्लॉग उस दिन का वो हुआ है खराब. गुड जॉब विक्की. मोना का हटा दिया था ट्रैप तो ना तो उसका वो पैर एकदम बस स्किन से लटका हुआ था जो वो तो अभी क्या होगा उसका. वो तो वैसे ही मतलब वो तो लेकिन हम अभी तो बैंडेजिंग कर रहे हैं. वो हैंडल करनी इतनी मुश्किल है. वो टिकना यहाँ चाहती नहीं. अभी ठीक है. ठीक थी पहले शायद बच्चों की वजह से स्ट्रेस में थी ज़्यादा. अभी ठीक थी वो बिल्कुल. कल कोई ऐसे उसने मतलब केज में भी बिल्कुल परेशान नहीं किया. बड़ी बड़ी लोग कहते हैं भाई हमारे यहाँ ये फीमेल डॉग है एग्रेसिव हो रखी है. वो उस दौरान होता है जब उसने बच्चे दिए होते हैं तो वो 2 महीने बहुत प्रोटेक्टिव होती है अपने बच्चों को लेके. तो वो उन्हें बस गार्ड कर रही होती है तो वो काटेगी नहीं. वो भौंक के बस वॉर्न कर रही है भी मेरे बच्चों के पास मत आओ. कौन मैं ऐसा नहीं करेगी. लेकिन अगर आप फिर भी जाओगे बच्चों के पास तो वो काटेगी ना. हाँ वेल वो तो अब जाहिर सी बात है वो वॉर्न कर रही है तो आप उसकी वार्निंग को समझ के पीछे हो जाओ ना. त्रिकोण को आपने पीछे मूव किया है ना. हाँ जी सर. वो एडजस्ट कर गया. हाँ वो ठीक है बिल्कुल. और मेरे ख्याल से बेहतर है वहाँ पर. टोफू को लग रहा होगा किंग किंग आ गया. अंदर ना वो पूरी टाइलें बिछी हैं और वो गीली होती तो ये जब बैठता है तो ज़ोर से बैठता है और जब उठता है ना तो इसके पांव फिसलते हैं उसके ऊपर ना. इसलिए कच्चे के ऊपर मूव कर दिए क्योंकि हमारे पास ये परमानेंट है. अच्छा अभी ये रेजिडेंट बन गया हमारा. हाँ जी. हाँ जी त्रिकोण भाई कैसे हो. आ जाओ मैं खुद आ जाऊँ. आ जाओ त्रिकोण ठीक हो. यहाँ ठीक हो कि वहाँ अंदर ठीक थे. अब मस्त घूमने आए हैं. कोई नहीं मारेगा तुम्हें यहाँ पर. ना बुल्ली मारेगा ना नैनो मारेगा. नैनो बुल्ली मारते इसको. हाँ पहले धमका रहे थे लेकिन अब नहीं. अब तो बिल्कुल फ्रेंडली हो गए. आराम से रहते हैं साथ साथ में. लार्ज एनिमल का स्पेसिफिकली हम लोग ढूंढ रहे हैं कि हम टॉपिकल कुछ अप्लाई कर सकें उससे अगर पेन रिलीफ होता है. क्योंकि हर बार हम इंजेक्शन नहीं दे सकते. हमारे पास जब भी कोई केस आता मोस्टली देखना वो इतने महीनों से वैसा है या इतने महीनों से इसका ट्रीटमेंट चल रहा था. कम से कम जानवरों के लिए तो ये भांग का प्रयोग ना लीगल हो जाना चाहिए कि भाई भांग का कुछ बना के उनको दे दिया. ये जो यहाँ भांग नहीं उगती रहती जंगली इसको हाँ. स्पिरिट में भिगो देते हैं हाँ. एक हफ्ते के लिए हाँ. वो जो स्पिरिट है वो वाली उसको लगा के हाँ. उससे पेन रिलीफ है. तो ये तो मेरे ख्याल से लीगल भी है क्योंकि कोई खा नहीं रहा ना खिला रहा है भांग. ठीक है. जंगली उग रही है कोई उगा भी नहीं रहा था उसको काटते ही हैं हम. तो जैसे खेत में उगाती है तो हम काट के मल्च कर देते हैं. आप मुझे एक वो बता देना रेशियो कितना कितना. मैंने कभी किया नहीं है ये. अच्छा. पर ये मुझे पता है कि इस तरह होता है. भांग के पौधे में मुख्यतः 2 चीज़ें इंटरेस्ट की रहती है. एक तो THC जिससे नशा होता है और एक CBD जिसके बड़े सारे मेडिसिनल यूजेज हैं. और इसीलिए CBD कुछ साल पहले भारत में लीगलाइज भी हो गया है. पर जब भांग उगाना ही गैर कानूनी है तो मुझे नहीं पता कि जो CBD ऑयल भारत में उपलब्ध हैं उसमें असल में कितना CBD है या CBD के नाम पे सिर्फ इंटरनेट पे ठगी चल रही है. चल रहा है. पेन है झटका लगा है. अच्छा कुछ पता चला. फ्रैक्चर है. फ्रैक्चर भी है यहाँ पे. फील हो रहा है बाकी ज़्यादा क्लैरिटी तो एक्सरे से मिलेगी क्योंकि जॉइंट इन्वॉल्व है ना पूरा. अभी तो मैं फॉस्टर मिल गई है यहीं से ही है लोकल के ही हैं आरती. वो फॉस्टर करने को रेडी हैं डॉग पपी को जी. तो मैं आज तो रात में यही रखूँगी कल सुबह फिर उनके यहाँ छुड़वा दूँगी जी. हमारी जो टीम है 7-8 लोग हैं जिसमें हर कोई एक्सरे बहुत बार करवा चुका है जी. तो वो चीज़ सेफ भी नहीं है बॉडी के लिए है ना. अगर आप लोग एक बार इसका एक्सरे करवा देते हमारे लिए कोई भी एक साथ में चला जाए हमारे वो मैं देखती हूँ अगर नियरेस्ट अभी, अभी 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 नहीं नहीं कल परसों. चलो ठीक है वो कोई नहीं हम कर देंगे. मैं कांटेक्ट करूंगी आप लोगों से. आप लोग तब तक सोचिए इस बारे में कौन जा सकता है. कौन करा देंगे कोई दिक्कत नहीं कल चल पड़ेंगे.
हमारी दूसरी अनाउंसमेंट ये है कि हम इंस्टाग्राम पे एक मैप बना रहे हैं जिसमें रेस्क्यूअर्स, फीडर्स, नॉन प्रॉफिट्स अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं और फिर उनके आसपास के लोग उनको खोज सकते हैं और सपोर्ट कर सकते हैं। अगर फेसबुक ने हमारी ये ऐप अप्रूव कर दी तो ये 1 मार्च तक लॉन्च हो जानी चाहिए। अच्छा, एक बात और जो बाकी बातों से हट के है, आपने देखा होगा कि भाई मीडिया रूम में जो हमारी डिस्कशंस होती हैं, अक्सर मैं पूछता हूँ कि मान लो ऐसा होता, इसको कहते हैं हाइपोथेटिकल, और कुणाल अक्सर कहेगा कि भाई ऐसा तो हो नहीं सकता। बट हाइपोथेटिकल का पॉइंट ही यही है कि एक इम्पॉसिबल सी सिचुएशन क्रिएट करना जो आपको फोर्स करती है उन आंसर्स के बारे में सोचने के बारे में जिन्हें आप यूजुअली अवॉइड करते हैं। मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ, तुम बताना तुम्हें एग्जांपल समझ में आता है, बिकॉज तुम हाइपोथेटिकल्स के एकदम वो ना अगेंस्ट। अब बचपन में जैसे हमसे पूछा जाता है मम्मी तुम मम्मी को ज़्यादा प्यार करते हो या पापा को, और हम झूठ बोल देते हैं दोनों को बराबर। पर अगर हमारे को एक हाइपोथेटिकल दिया जाए कि आप सिर्फ मम्मी को ही बचा सकते हो और पापा को, जो कि इम्पॉसिबल अनप्रेजेंट सी सिचुएशन है, ये हमें फोर्स करेगी इस बारे में सोचने के लिए और एक सही जवाब तक पहुंचने के लिए। तो अब तुम एग्जांपल समझ में आया या नहीं? हाँ, आया। जबरदस्ती कह रहे हो? नहीं, आया ठीक है। तो इसलिए हाइपोथेटिकल्स जरूरी हैं।